ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा शैतान पांच खच्चरों पे सामान ले जा रहा है। मज़मून के लिहाज से ये ज़बरदस्त बात है। सनद हयातुल हैवान की रिवायत है तो सनद तो कमज़ोरी होगी, लेकिन बात 100% दुरुस्त। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम से वो हो गया, टाकरा हो गया। वो कहने लगा अपना सौदा है, बेचने जा रहा हूँ। तो पांच खच्चर थे कि चार, तो उन्होंने पूछा इसमें क्या है। कहा इसमें जुल्म है, जुल्म। कहा ये कौन खरीदेगा। कहा बादशाह, बादशाह। तो चंद दिन पहले ही मैं ना अपने आप से तारीख, चूँकि अल्लाह का फजल है काफ़ी पढ़ने का मौका मिला, तो मैं सोच रहा था कि अक्सर बादशाह बदमाश ही थे, बहुत कम आए नेक अल्लाह से डरने वाले, वरना जालिम ही थे। जालिम चाहे मुसलमानों में थे चाहे गैर मुसलमान थे, जालिम थे, बहुत कम सही लोग आए। या ताकत का नशा भुला देता है, ये भी होता है। खोपड़ियों के मीनार सिर्फ चंगेज़ ख़ान ने नहीं बनवाए, तैमूर मुसलमान था कमबख्त, खोपड़ियों के मीनार बनवा देता था। कहा दूसरे खच्चर में क्या है। कहा इसमें तकब्बुर है, तकब्बुर। ये कौन लेगा। कहा ये ज़मींदार लेंगे, ज़मींदार। ज़मींदार भूखा भी हो तो तकब्बुर उसमें ताजर से ज़्यादा होता। पता नहीं कोई फितरत की बात है, कोई है सही है, कोई ना कोई चक्कर है। और कहे तीसरे में क्या है। कहे इसमें फ्रॉड है, ख़यानत, धोखा, चक्करबाजी। ये कौन लेगा। का ताजर, फैसलाबाद के ताजर हों या लाहौर के हों, सब फ्रॉड चल रहा है। कोई हज़ारों नहीं लाखों में एक दयानतदार ताजर मिलता है, वरना सब झूठ फ्रॉड। अच्छा इसमें क्या है। क्या इसमें हसद है, हसद। ये कौन लेगा। का ये मौलवियान, उलमाए किराम, ये तुम्हारी बिरादरी की सौगात। हसद न करना किसी से, क्योंकि अल्लाह जिसको दे रहा है ना तुमसे छीन के नहीं दे रहा, उसको अपने खजानों से दे रहा। बहुत लानती चीज़ है हसद, बहुत लानती चीज़। हासिद ना बनो, महसूद बनो तो फिर किसी को चिढ़ाओ नहीं। ये भी एक शैतानी चाल है कि लोग मुझसे हसद करते हैं तो मैं उनको मज़ीद चढ़ाता हूँ। पता नहीं कब अल्लाह नेमत को वापस ले ले। कोई ज़ाती चीज़ तो है नहीं, उसकी आता है। ना हसद करो, ना हसद करने वाले को तंग करो। ज़मीन पे बिछ जाओ, अल्लाह कोई चीज़ देना तो लेट जाओ ज़मीन, तो अल्लाह से मांगो कि अल्लाह हसद से बचाए। उलमा कहते हैं ना कि इस ज़मीन पे पहला गुनाह जो हुआ वो हसद था, कि काबील को हाबील से हसद हो गया और उसने उसको कत्ल कर दिया। तो इस ज़मीन पे पहला गुनाह शिर्क नहीं, कुफर नहीं, हसद है। और अपनी चौधराहट के मैं नुमाया नज़र आऊँ, मेरा भी नाम हो, ये दोनों बहुत ख़तरनाक है, चाहे दीनी नस्बत से हो चाहे दुनियावी नस्बत से हो। और दुनियावी नस्बत से अपनी वजाहत दुनिया से ज़्यादा ख़तरनाक होती। फिर उन्होंने पूछा इसमें क्या है पांचवें में। क्या इसमें मकर है, मकर। ये कौन लेगा। क्या ये निसा, औरतें। औरत से मुराद नेक औरतें नहीं, जो गलत औरतें हैं, जो फितना फसाद
कि आग को भड़का के आसमान तक ले जाती हैं। तो सनत के लिहाज से तो मुझे नहीं पता, लेकिन वाक़े के लिहाज से आप इस हदीस को देखेंगे कि बिल्कुल मुंतबिक होती है इन तमाम तबक़ात पर। तो अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए, ये चीज़ रुकावट बन जाती है राह हक़ में।